ठीक आहे कि मानव ही विवेकी तो होते नहीं, जानवरों में भी सद ज्ञान होता सदा, विप्र हो चाहे कोई भी विद्वान हो, उनका दुनिया में अपमान होता सदा। राम धरती पे राम राज कायम किए, तो शेर सारंग सदा संग विचरते रहे। सियाराम जय जय, सियाराम जय जय। दुनिया वाले यही शब्द रटते रहे, सियाराम जय जय, सियाराम जय जय। दुनिया वाले यही शब्द रटते रहे। ये एक घटना है राम राज्य की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब लंका पर विजय श्री हासिल करने के बाद अयोध्या वापस लौट चुके थे, शासन कर रहे थे, उस समय की एक घटना है। क्या तुम सब बढ़ के कि बैठे सभासद सभी मारी के सनवा, सजर हरम दरबार उसी वक्त कुत्ता एक पहुंचा सा भनवा, रोय रोय कहला पुकार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दरबार सजा हुआ था, सभी दरबारी लोग बैठे हुए थे। उसी समय कुत्ता लंगड़ते हुए और रोते हुए भगवान राम के दरबार में उपस्थित हो गया। सभी लोग कुत्ते की ओर देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंहासन से उतर जाते हैं, आते हैं कुत्ते के पास और पुचकारते हुए पूछते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है कि तुम रो रहे हो और लंगड़ रहे हो? यह बात जब कुत्ता सुना तो रोते हुए भगवान राम से कहने लगा, क्या कहा? यहाँ एक लाइन गीत बा, ई गीत हो गुणऊ पचरा, एक एक गोण भाई लोगन गुड़ नचिया में गावेलन का कि मैयान अब मैयान मैया हो मैया, रे दुआरा मायायल बासे वकवाये मैया, लेकिन वो कुत्ता कहलस भगवान राम से काम कि दाता अब दाता दाता हो दाता, दाता हो नीच नराधम साधु, कहे दाता हो नीच नराधम साधु, बनल नरिया ये दाता। सरकार एक थे साधु जी हमारी दुर्दशा कह दहलन, भगवान राम कहलन साधु जी ऊ कहे, तब कुत्ता बतौलस कि कवने कसूरवा के फल हम पवली, टूटल मोरी कमरिया, बदलाया
बदल नजरिया, तो दाता दाता हो दाता। अरे दाता दाता हो दाता, कहे दाता हो राम बिना के सुनिए, कहे दाता हो राम बिना के सुनिए, मोरी गुहरिया ये दाता। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सरकार, साधु जी मार करके मेरी कमर तोड़ दिए हैं, यही मेरे रोने का कारण है। भगवान राम कहते हैं साधु जी का परिचय बता सकते हो? कुत्ता कलश की सरकार उनकर नाम तो ना जानते हैं, लेकिन रंग रूप बता सकीला। भगवान राम के पूछले के अनुसार रंग रूप बता देलस कुत्ता, और सब कुछ सुनने के बाद भगवान राम बजरंग बली के आदेश देलन है। बजरंग बली आप जाइए और कुत्ते के बताए अनुसार रंग रूप वाले साधु जी अगर कहीं मिल जाते हैं तो उन्हें पकड़ करके लाइए। बजरंग बली चल पड़े। कुछ ही देर तक परिश्रम करने के पश्चात ढूंढने के बाद उसी नगरी में साधु जी भिक्षाटन करते हुए मिल गए, भीख मांगते हुए मिल गए। बजरंग बली पकड़ के ले लें दरबार में, तो पकड़ के आए साधु। गुस्से में बोले भगवान क्यों मारा? साधु से पूछो आए वकील हनुमान। भगवान राम के सामने ले लेन है। भगवान राम कहे हनुमान जी अब तू वकालत करा। पूछा ये साधु जी से कि काहे कुकुर के मार के करियाए तोड़ दे हलन। साधु जी कहे कि सरकारी तबतिया सही है बा, जब बात पूछल गई तो बतौलन की तब बात सही है बा, कुत्ता के मार के हम करियाए तोड़ ले। पूछना लोगन की आखिरकार कुत्ता के करियाए काहे मार के तोड़ लाम? तब साधु जी बतौलन कहा कि सरकार हमारा रोज रोज का नियम है, भीख मांग के हम अपन पेट पूजा चलाईला, रोज रोज हम आईला यही नगरी में भीख मांगे तई कुत्ता हमारे साथ बदमाशी करेला। भगवान राम कहलन कि का बदमाशी करेला, का गलती करेला? तब साधु जी बतौलन यहाँ एक लाइन गीत बात नहीं सब बढ़ते और गीत के नमूना बा वह झूमर वाली गीत है। गीतिया के एक लाइन नमूना बा काम। अरे खेल गैली काजरी कन्हैया धैया चरिया चरिया में लागल हो झालर मोतिया। यही गीतिया के इलाहाबाद साइड में लोग गावेली नवरत लोग कि कौन रंग मूंगावा कमाना रंग मोतिया कमाना रंग नाना दोहो तो गिरना। और जगह यही गीतिया के गावल जाला काम कि सासु गैली हटिया ननद पूरा पति आया तेले घरवा पावे लार कारियावा। ई तरह गीत के नमूना। लेकिन साधु जी बतला कि सरकार सुनल जान एक कुत्ता का गलती करेला, काहे अगर करिया मार के तोड़ देनी तो का बतौलन कि आईला जब नागरी। अरे आईला जब नागरी तब घेरेला हमारी डगरी आफत में जिया राम, आफत में जिया रा डारी हो भर सहारिया। पहली गलती कुत्ता करेला सरकार, जब आईला गौवा से बहरे रह तो गौवा से बहरे में कुकुरा हमारा रास्ता रोक ले। बड़ा परेशान करेला कैसो है के बहकाए के नगर में हम प्रवेश करीला, आज जब भीख मांगीला तो तब तक हमरे पीछे पीछे लगल रहेला, भोंकत रहेला, परेशान करत रहेला, डरवावत रहेला, जब तक कि नगर में भीखा नगर से भीख मांग के हम वापस न चल जाए। तो सरकार ई करेला का जब भीख मांग के हम चल जाएला तब वो हमारे पीछा ना छोड़ेला, हमरे स्थान तक जाला। आ करेला काम कि भीख हम मांग के बनाईला भोजनावा, भिक्षा हम मांग के बनाईला भोजनावा,
टुकुर टुकुर ताके लागलाई के नया नवा जब हम खाना बनावे लगब तो कुछ दूरी पर कुकुर बैठ जाई टुकुर टुकुर कब्बो हमरे चेहरा की ओर देखी कब्बो हमरे खाना की ओर देखी हम कुछ ना बोली ना सरकार भोजन बनाई चुपचाप भोजन कह के खाए के सुत जाई आज जब सुत जाई तो कुत्ता बदमाशी करला सुतलो पर करेला काम कि जाइला जब सूती अरे जाइला जब सूती देला मुहावा पे मूती हो यही से हम मारी टूटली कमरिया आज हम सुतल ला रही सरकार एक रोज रोज के आदत रहल आज झूठों के आंख मुद के नकल पसर ले रही जे कुत्ता आई टांग उठौलस लघु शंका करे बदे बगले में मुठाने के डंडा रख ले रही खींच के मार दे रही करिया टूट गई हम का करी हमार का दोस्त बा सरकार सभी दरबारी चिल्ला पड़े सरकार सरासर कुत्ते की गलती है भगवान राम कहना की भाई एक तरफी बात न हो लक्ष्मण जी आप तन तू बयान लाए कुकुरा से पूछा कि कुकुरा ऐसा गलती करेला काहे जब कुत्ता से बात पूछल गई तो कुत्ता कालस के सरकारी तबतिया सही है बा कि गौवा से बहरे इनका रास्ता रुकीला इहो बात सही बा कि भीख मांगेलन तो इनके पीछे पीछे लगा लेला परेशान करीला इहो बात सही बा कि जब खाना बनावलन तो इनके चेहरा की ओर गौर से देखिला इनके खाना की ओर गौर से देखिला आ इहो बात सही बा कि जब सुत जालन तो इनके मुंह पर लग शंका भी कह देला कहलो कि तो कुल गलती तो तू ही करेला तब का आई बड़ा न्याय खातिर के कुकुरा कालस की सरकार सुनल जान बिना गलती के ऐसा गलती तो हम कर ना सकीला सुनल जाए साधु जी का गलती करेलन पहला नंबर की साधु जी से पूछल जाए का कालस कुत्ता एक लाइन यहाँ गीत बा वह गीत बा जोने में निर्गुण और सगुण दोनों का भाव मिलेला का बड़ा आए अरे ननदी भौजिया दोनों एक समहुरिया दुनहू के पिया पर देसिया हो यही गीतिया के कहीं कहीं गावल जाला काम कि अंगने में उड़े फूला गेनवाए नाना दो बाजले बधैया दुआरे पे कुत्ता कलस की सरकार पहले साधु जी से पूछा जाए काम कि गौवा में बाटे केवल साधु कही तैया ये गौवा में साधु जी का कोनो रिश्तेदारी है का कि रोज रोज चुकवासल चले आवलन भीख मांगे यही गौवा में कुकुरा कहलस कि गौवा में बाटे केवल साधु कही तैया धिया रमैते जाके कैलस काम कि साधु जब हो गए तब गाँव से का काम भिक्षा मांगे अपना के मुह में राउर नाम बा पहली गलती करलन साधु जी की एक ही गांव में ही गांव में रोज रोज भीख मांगे चली आवेलन एक दिन देखली दुई दिन देखली हर दुवारी पर घूम के साधु जी यह आवाज दे कि राम के नाम पर हमें भीख दे दी जाए सरकार एक दिन विचार में आयल कि साधु जी के हम पीछा करी देखी साधु जी भिखिए मांगे के दाई आपका नाम लेत हुन ये करे बादो आपका नाम लेत हुन पीछे पीछे लग गईली त
तो भीख मंगले के बाद जब चलन तो रास्ता में एक को दाई आपका नाम ना सुनने इनकी जुबान से, जब भोजन बनावे लगन तो कुछ दूरी पर बैठ गई, इनके चेहरा की ओर गौर से देखी, हो सकेला खनवा बनावे के दाई सधुईया आपका नाम लेत हुई, एक को दाई आपका नाम ना लेलन, भोजन कैलन, जब भोजन बना लेलन तो इनके भोजन की ओर देख ली, हो सकेला आपके नाम पर जब भीख मंगले हन तो कुछ तो भोग लगई हन, एक को अनाज का टुकड़ा गिरे ना देलन, भर पेट खाए के सुत रहलन, जब सुत गईलन तो इनके लज्जत तक गईली, ई देखे खातिर के हो सकेला साधु जी सुतलो में तो बरात हुई हन, राम का नाम लेत हुई हन, लेकिन ई भुन भुनई बोना कैलन, एक दिन देखली हमके खीस बर गई, आज जब खीस बर गई तब जौन बा इनके मुंह पर हम लोग शंका कर दिली, एक दिन कैली दूसर को दिन देखली ये हाल, अब इनकर जब नियम हो गई कि राम का नाम भीख मंगले के अलावे लेब ना तो हमरो नियम हो गई कि जब लिहन ना तो इनके मुंह पर हम जरूर लघु शंका करब, तो वह सदवी वह जौन बा कुकुरा बतावत बा कहत बका कि करी लघु शंका हमाम, अरे करी लघु शंका हमाम, यही से गो सहिया भुइया रमैते जाके ये बात सुनकर के सभी दरबारी चिल्ला पड़े, सरकार सरासर साधु जी की गलती है, साधु जी को दंड मिलना चाहिए। भगवान राम कह पड़े, नहीं, मैं किसी को भी दंड नहीं दे सकता हूँ, जितनी गलती साधु की है उतनी ही गलती कुत्ते की है, जितनी गलती कुत्ते की है उतनी ही गलती साधु की है, और मैं इसलिए दंड नहीं सुनाऊंगा कि अगर मैं साधु को दंड देता हूँ तो लोग कहेंगे कि साधु जी राम का नाम ना लेलन, ऐसे राम नाराज हो के साधु जी के सजा दे देहलन, आ कुत्ता के अगर हम सजा सुनाओ थे तो लोग कहन कि जानवर जान के राम न्याय ना करके कुत्ता के साथ अन्याय कर देहलन, ऐसे भाई हम केहू के सजा ना सुनाई, आ तुहु लोगन कोई के सजा मत सुनावा, हमार तो ही कहना बा कि साधु जी कुत्ता के करिया मार के तोड़ ले हुआ, नहीं कुकुर से पूछ लिया जाए, जवन कर विचार हुई तवने सजा साधु जी के लोग पूछलन, कुत्ता बतवलस का बतवलस, यहाँ एक लाइन गीत बाय, वह गीत जो में निर्गुण सगुण दोनों भाव मिलेला, है गीत के जब जेल में श्री नारायण स्वामी बंद रहलन वो समय गवले रहलन का कि धरती आकाश लगल जोड़ी जाता वाहो, जाता वाहो किया हो सखिया, किया हो सखिया, किया हो सखिया, किया हो सखिया, अरे बिचवे में सुमिरनी किलावाला गलु हो राम, कुत्ता कहलस काम सबके सामने कि सुनी के बचनवा कुत्ता, सुनी के बचनवा कुत्ता, बोलते ही छानावा हो किया हो रसिया, 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 अरे सबके समनवा, हाँ सबके समनवा हसत सुनावेला हो राम, कैलस की सरकार ये बतावल जाए जवन चाह तवन सजा साधु जी के मिल जाई, लोग कहलन हाँ, तब कुत्ता कैलस की सुनल जाए तो हमारी ओर से यह सजा बा, का कैलस भाव बा तेरी में
कि अब बना दाम मठ के मालिक ये हरि। नैन भक्त वन भोग नैन भक्त वन भोग मन की आस पूरा दा बना दा मठ के मालिक ये हरि। गरज के बोले यवदपति क्यों ऐसी बात बताते हो, घोर हुआ अन्याय तेरे संग इनको स्वर्ग दिखाते हो। चकित तो है कर दी तेरी बातें क्यों इधर उधर बहकाते हो। अरे छोड़ो इधर उधर की बातें, छोड़ो इधर उधर की बातें, जो न सजा सुनाते हो। अरे कुत्ता कलेज की सरकार, हमार तो विचार बांध कि ये साधु जी के मठिया का महंत बना दिया जाए। वाह भाई, लोग हंसे लगला नरे, हाई देखा पगलाए गई। भगवान राम कहला कि तू पगला तो ना गिला, तुहार करियाए मार के साधु जी तोड़ दे, तू इनके मठिया का महंत बनवा चाहत हुआ तो इनके और सुख सुविधा देत हुआ और स्वर्ग में भेजत हुआ कि इनके सजा देत हुआ। कुत्ता कलेज की सरकार चाहे कि सुख सुविधा समझे चाहे सजा समझे, लेकिन हमार विचार ये बान कि ये साधु जी के मठिया का महंत ही बनावल जाए। भगवान राम कहन कि आखिरकार काहे तू चाहत हुआ कि साधु जी मठिया का महंत बनावल जाए। तब कुत्ता कलस की सरकार सुनल जाए, काहे हम चाहते हैं कि साधु जी का मठिया का महंत बनावल जाए, कहा बतौलस। आ यहाँ एक लाइन गीत बा, वह गीत जोने गीत के आप लोग शारदा सिन्हा के आवाज में कैसे पर सुनल जाला, गीत के नमूना बा कि कलकत्ता से आवला झुमतवारी। लेकिन यही गीतिया के देहात में औरत लोग गावेली, एक थे भौजाई अपनी ननद से कहत रहल कि कलकत्ता से बलमा मोरा आवे लहू। ननदी कलस की भौजी ई कैसे कह दलू कि भैया आवत हुन, न तो चिट्ठी आई न तो केहू संदेश दिहल। तऊ भौजाई बतौलस की ऐसे बतावत है का कि अखिया मोरी फर गए फुफुनिया हमारी सर के बलमा आवे ला, बलमा आवे ला, दोनों युबुनु सगुनवा मनावे ला। लेकिन वो कुत्ता कहा कि सरकार मैं क्यों चाहता हूँ कि साधु जी को मठिया का महंत बना दिया जाए। काहे बतौलस का कि साधु मठियां अब साधु मठियां के जब मालिकार हो तो नाथ ये नहू के, नाथ ये नहू के जिंदगी बेकार हो। काहे बदे बतौलस की सरकार ई और जोन बन कर जिनकी बेकार हुई जब महंत बनी है तब सुने जा हम अपन कहानी बताओ थे। कहा बतौलस कुत्ता कि पूर्व जन्म में हम उरानी मठाधीश हो, मन में घमंड हम सब ही से बीस हो। पूर्व जन्म में सरकार हमू एक मठिया का महंत रह ली,
हम के घमंड हो गए, धन में, दौलत में, विद्वता में, सुख में, सुविधा में हमरे सामने हमरे मुकाबले में कोई ना बाए। वही घमंड में बूत हमसे एक थे गलती हो गई सरकार। वो गलती का भइल कि अब चोरी से हाँ चोरी से घी खैली अत्याचार भइले तो लाठी है सोच हमरो विचार भइले। हम गलती का कहली जवन कुछ शंकर जी के भोग लगाए बदे सामान आवे बढ़िया बढ़िया खाए वाला चीज दूध दही घी वगैरह चोरी चोरी खाए लगली। अब वही का नतीजा निकलल कि ए जन्म में हमें कुत्ता के जोड़ में जन्म लेवे के पड़ल। यही से हम चाहते हैं कि साधु जी के मठिया के महंत बना दिया जाए। का है एहना की साधु जी जब मठिया के महंत हो जाए तो यो चोरी से घी दूध खाई है, आ जब चोरी से घी दूध खाई तो यो अगला जन्म में कुकुर होई है, आ जब कुकुर होई है तो हमार करिया जैसे ही मार के तोड़न नहु को करिया के हमार के चोरी। सब कोई हंसे लगल मगन भैल हो का सदर ला के भाव हो काम। अरे शिवयंसन हाँ शिवयंसन शिव के पूजन बजे होला मानव भोजन के नाही होला अधिकार। हाँ मानव भोजन के नाही होला अधिकार। हम मान के मधु करी जका रैला भोजनवा वही तो होला नीचे जोनिया अवतार। साधु हो के दुनिया के भिक्षा देला साधु हो के दुनिया के धोखा जती देला। अब वही के नेवारिया फसल मजमार ये रे इतना कह दो पैर गईले निकरही तो देव। अब देवलो कवा से आयल बाबी मान के घरी इतना कहते कहते कुत्ते की दम टूट गई और उसी समय स्वर्ग से विमान आया। हुआ क्या के कुत्ता मुक्ति पाया चला चली के विमानवा हसे रघुराई हर्षित सबई के मानवा। तो गुरुवर रघुनाथ छाय स्वर्ग नगरी तो देवलो कवा से आयल बाबी महान के घर। शादी तो बहुत सुन ले आप लोग पुराण से एक नए ढंग की शादी बा नई खोज कभी के देखे चंद्रमा जी के विषय में कहल गई बा दुनिया है इसी संसार के नीचे गणवाद के चाँद के नूर की चर्चा चली आती जमाने से चली आती जमाने से की चर्चा चली आती जमाने से कभी को कभी मिलाते हैं रे रति के दिल दीवाने से।
आतो समय के बाद कि जहां में चांद के सौंदर्य का प्रसार हुआ, जहां में चांद के सौंदर्य का प्रसार हुआ, मैं खुशी में दक्ष राज मन विचार हुआ, कलीन हो नहारी तो रिश्ता मैं बनाऊंगा, ठीक रोहिणी की शादी चंद से रचाऊंगा, विजयन दक्ष राज जी ससुर का भाव लिए, धन से चांद पास चल पड़े प्रस्ताव लिए। ए भैया दक्ष राज के बिटिया रोहिणी जब सयानी भई सोचले कि बिटिया के शादी करे के चाही, ये अपने समाज का हमेशा का परंपरा बा, बिटिया सयान भैले पर बाप चिंतित होइबे करेला शादी के लिए। वैसे ही दक्षराज यो गेवर के तलाश में निकल पड़े। तारीफ तो बात बा कि रोहिणी इतना सुंदर रहल कि कहीं ओकरे जोगे बरे न बैठे, परेशान हो गए लोग, कहलन दक्षराज से कि आप चल या चंद्रमा जी के पास, दुनिया में सबसे सुंदर वह होंगे। जब गैलन दक्षराज चंद्रमा जी के देखलें तो वह कहीं लोगन के बतावे के हिसाब से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा हूं, उनके पसंद हो गए ना भैया। दक्षराजा जी महतना है घराने से, रखते थे मदन मन चाद को दामाद पाने, देखते खुश हो गए ना दक्षराज कि जैसन लोग बतौलाम कहीं उसे भी बढ़िया चंद्रमा जी बाण शादी पक्की कर ले। तो दक्षराज कल्यादान अरे रोहिणी के कही ले, चंद्रमा से शादी गई रचा, ओ ध्यान से बृहस्पति गुरु शादी कर बबले, रोहिणी गईली ससुरे में आल, शादी करा दिल बृहस्पति गुरु चंद्रमा जी का गुरु रहल, शादी हो गई रोहिणी और चंद्रमा जी का। अब दुल्हन बनके नई नवेली दुल्हन बनके रोहिणी ससुराल चलल, तो यहाँ एक लाइन तर्ज बा, और वह तर्ज भैया बतौलन के लाली रे महालिया में, के लाली रे महालिया में, अरे लाला की चादरिया मोरे राम, लाला की चादरिया मोरे राम, लाला की चादरिया मोरे राम, की चादरिया मोरे राम, ए रामा लाला की चादरिया, ए रामा लाला की चादरिया, जनवा मारे हो तेरा माला की चादरिया, जनवा मारे हो तेरा माला की चादरिया, जनवा मारे हो आई। सुना गनवा का भावा कहना बा के नहीं हरे नहीं हरे से ससुरे गई, अरे रोहिणिया तेरा माँ होए लागल सैया से मिला नावा हो, तेरा माँ होए लागल सैया से मिला नावा हो, तेरा माँ होए लागल सैया। रोहिणी चंद्रमा जी के पाके खुश बा, चंद्रमा जी रोहिणी के पाके खुश हो, मगर बीच में भयल है का के पति संग लहरा लूटे, अरे चढ़ाली जवानिया मोरे राम, चढ़ाली जवानिया मोरे राम, चढ़ा
रामा पूरा होए लागल ए रामा पूरा होए लागल आ रमानावा हो रामा पूरा होए लागल आ रमानावा हो रामा दोनों परानी खुश हो अरे बीच में ठे गड़बड़ी आ गई वो गड़बड़ी का आई हम तपनिया हो बुझल तपनिया बीतल दिन सात रैनिया बुझल तपनिया बीतल दिन सात रैनिया अलौटी गुजरिया ससुराल से बीतल दिन सात रैनिया बुझल तपनिया बीतल दिन सात रैनिया सातें दिन के बाद मेहरारू नैहरे चल गई। आ जब नैहरे चल गई मेहरारू तो चंद्रमा जी का दशा भई क्या भैले निशापति व्याकुल अरे भैले निशापति व्याकुल पत्नी के प्यार बिन मनवा मसोसन लागा रोहिणी दीदार बिन याद आवे रनिया तब याद आवे रनिया दक्ष की चले रज भनिया और राही कला धर बेकरार से जब मेहरारू नैहरे चल गई तो चंद्रमा जी औरत का अलगाव बर्दाश्त नहीं कर पौल अभी कैलन है काम यहाँ मिर्जापुरी चोलरिया जौन पहले गावरिया चंद्रमा जी कैलन का लागी प्यास सतानी चंदा तब लागी प्यास सतानी चंदा ससुरारिया हो दुवरिया राजा दक्ष के गई दुल्हन के पीछा पकड़ ले ससुरारी चंद्रमा जी बिरह थाना तनिक सहाय शर्म तज ससुरारी में आए शशि सम्मान स्नेह से शशि सम्मान स्नेह से शाली करे ढेर के जीजा शाली करे ढेर के जीजा चेती कारिया हो दुवरिया राजा हाई सुनाम चंद्रमा जी ससुरारी पहुंच गए और जब ससुरारी गए ना अमूमन देखल जाला जब पहली बार आदमी ससुरार जाला तो लोग पानी वानी पिया के हर जाला ज्यादातर औरतें घेर ले लू ऐसे चंद्रमा जी के भी उनकर सरहद सरवाइन सब घेर ले यही पर यहाँ कभी के कहे के पड़ल के कैसन साली बिना ससुरार बिना ससुरार बिना ससुरार भैया बिना ससुरार
बिना ससुरार बिन साली ससुरार न भावे अरे भावना बिन लहुरा सार। पहले हरी सुना चंद्रमा जी के कहते सरवाई रही के रही मयंकिका छब्बीस साली ही ससुरार बड़ी गुलजार। चंद्रमा जी के सब सरवाइन छब्बीस रही अगल बगल के छोड़ के। ऐसे तो चंद्रमा जी के प्लान रहल कि महज दो दिन रह हाल चाल ले फिर चल गई। जब छब्बीस से सरवाइन देखल तब बुरा भाग करे लगे कि यहाँ रह के कई दिन चाहिए। अब पूरा जन बात जोड़ घटा के चंद्रमा जी अपन रह के टाइम फिक्स कर कितना दिन रह ससुरारी में के बन के छब्बीस दिन में हमारे बन के छब्बीस दिन में हमार और ससुरारी में तारा पारी मस्कर शालीन के छब्बीस दिन रह के चंद्रमा जी अपने छब्बीसों सरवैनिन के देख दिल कहल गल बा तीन छुपाए ना छुपे चोरी हत्या तो बच्चा राजा गई है जान मन में भारी किए गला भंख लागे राजा अपने ही लचारिया दक्षराज बड़ा चिंता में हो गई कुछ कहते न बने पहले दमाद ससुरारी आयल बा मुरवत में काम बिगड़त चल जाते हो भैया यही पर कहना बाम के जवानी आज कर दल दल में फंसी मोरे राम होला अरे जवानी आज कर दल दल में साजन मयंक सजनी सत्ताईस बहुतिया दक्षराज हार गुण के सोच विचार के ठे काम कर रहे के दक्षराज सब राज जान के ए भैया दक्षराज सब राज जान के और सब कल्याण ब्याह दिए दिदासरा सत्ताईस रानी हर की चंद्रमा राह लिए उनका तनिकन ध्यान करे। छब्बीसों लड़की इनके शादी जी से कह देना दक्षराज एक थे पहले करा ला छब्बीस से ही भदवा वाली कुल मिला के सत्ताईस से हो गई। चंद्रमा जी में बदलाव आ गई घरवा जब गई ना तो उजनाथ होगी छब्बीसों के पहचानते ना हूँ पहल की जो रहल रोहिणी वही के संगी पति पत्नी का रिश्ता कायम रखल आई छब्बीसों के जना की भुला गई ए भैया जब ये छब्बीसों के भूल गए तो यहाँ कहना बा अस्तर रही बाम एक थे सहेली दूसरकी से कहा देगी करे सुन लिया कि तोर लकड़हवा में लेकिन भर्ती हो जात हम वो कहते गे रे वहां नाप जो खोला गया ऐसे ही भर्ती हुई है और फिर हम जाएंगे तो हमने गई हम ओकर कहना बा के हमारे बलमुआ के पातर कमर कहे हमारे बलमुआ के पातर कमर हो पलट मिले में जाए नहीं हमारे बलमुआ के पातर कमर पलटनिया में जाए नहीं देव अब भूख लगी हलुआ पूरी खियब
तलिया में खाए नाही रे। बनवा का भावा हई सुनाम इस 2600 का दशा का हो गई के सैया बिना से जला गए जहर और सैया बिना से जला गए जहर 2600 का दिया चलो नहीं चलो नहीं बिना से जला गए जहर 2600 के बिरह सहलो नहीं आ। माटी में मिल गई जवानी उम्र सजना बिन अकेले रहलो नहीं छब्बीसो बेचारी परेशान हो गई का करें समझ में ना आवत बा। आखिर में निर्णय ले ही नहीं 2600 और चंद्रमा जी का के 2600 गई पिता के भवनवा अरे रो पिताजी के भाई के चरना बतिया सुनत बही गई कहर बिटियन के बिरह सहलो नहीं जाके शिकायत कैलिन सब आ जब शिकायत कैलिन दक्षराज के ही पता लगल इस 2600 लड़किन के तिरस्कार कैलिन इतना बड़ा अपमान कैलिन अब की बार उनके बर्दाश्त के बाहर हो गई। काला पहली बार तो उनकर नियत देख के भावना देख के ये लड़किन के शादी कर रही एक बावजूद भी इनका तिरस्कार कैलिन अब सहाई ना हमसे हई सुना ससुर दमादे पर नाराज हो गई नाराज होते कैलिन है का के दक्षराज दे दिए साप तई छनवा मनवा मानना नहीं सहायल बेटिन के आप मनवा मनवा मानना दक्षराज साप दे दिए शांति दिया छह के रोगी हुए चंद्रमा उसे रोग का भर उनके के छह के रोगी हुए चंद्रमा बिगड़े सुंदर ताई हो छीन हो ये लागल गई न एक कदम मुरझाई हो अरे लगा कि अब न बच पाई पर नवा मनवा माने अब 27 रानी कर रुद नवा मनवा माने क्या दे दिए दक्षराज ऐसे चंद्रमा जी 6 करोड़ ही हो गए ऐसा लगल की बची है नाई मर गई है अब 2700 औरतें जो हैं परेशान हो गई ए भैया चंद्रमा जी कहू है दशा हो गई कि लगले झुराए रजनी कांतला तो जिनवा रे भैया लगले झुराए रजनी Tira!
सत्ताईसो लड़की पहुंच गई, ओदा तो छब्बीसा गई लेकिन अब की बार सत्ताईसो पहुंच गई। काली जी बाबू अपन श्राप लौटा ला, काला जी बाह बा कबो श्राप दिलावे आ जालू, कबो श्राप लौटवावे आ जालू, लगन ई कौन नियम बा तू लगन का। काली की ए बाबू भला हो बुरा हो चाहे जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। विधवा के जीवन जिए से बढ़िया बाकी सुहागिन बन के जिए जाई, भले ही हमार पति ने बोले है मने से। श्राप लौटाला, कहला कि श्राप तो ना लौट सकला, उमन कोनो संशोधन तो ना हो सकला। हम एक छे उपाय बाम जा कहदा तीरथ सरस्वती में जाके चंद्रमा जी स्नान करें, उसे श्राप पूरा खत्म तो न हो जाई, आधा कट जाई। महीना में 15 दिन के लिए श्राप लागू रही और 15 दिन के लिए श्राप से बड़ी हो गई है वो बात, आज तक लागू बा, बड़ी खास बात पाएंगे, देखें होता क्या हो। सरस्वती में रहे अमावस के दिन जाई, एक कम को लटते रहे दुई को दिखलाई पावे, बाले क्रम से सुंदर तनवा हो चलना। ए भैया देखे पुरस्कार 2 रुपया, गई क्रमजारी 15 दिन शादनी बिखेरे और 27 नक्षत्र रानी आई अपने पति को हेरे पाके, पाके पुल की तो होला मनवा हो चंदा रतिया। उस 27 नक्षत्र हो गए सब उनकर औरतें, एकरे बाद इतने नाम चंद्रमा जी में और गड़बड़ी रहल। गौतम ऋषि की नारी ही आम केसन दगा कमाए, तान के मारे वृक्षानो मुनि वही साप दिखलाए, बाटे बाटे वेद में बनवा हो चंदा रतिया। ए भैया एक बेर के बाद बाम उनकर गुरु रहना बृहस्पति गुरु, आपन औरत बच्चा सौंप के उनके यहाँ कहना कि देखा जाते तीरथ करें, आई तली आ जा तीरथ करें। वे बृहस्पति सौंप के अपने नारी तो गुरु जी की नारी के संग ऐसी धोखा कहीं ना भारी पैदा कर जाला ला 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 जब गुरु जी नहा खेले तो देखने की अच्छे लड़का और चंद्रमा जी बढ़ा गए हूँ। उसी लड़के का नाम गौतम बुद्ध प्रणाम, तो गुरु बिहारी गुरु रमन भोरी गुरु को गाए, हीरा लक्ष्मी कवि मंगल सदगुरु में बिहार लगाए।